हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्पूल टेक्नोलॉजीज़ में। आज हम जिस डिवाइस की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो बेसिकली S15 मॉडल का है, जो कि वायरलेस डिवाइस है। इससे पहले जितने भी हमने जिस डिवाइसेस की अनबॉक्सिंग करी थी वो सारे वायर्ड डिवाइस थे। तो आइए एक बार इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने आज इस डिवाइस पे सील लगा रखी है, जैसे कि हम कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। ये देखिए, इसमें वायरिंग का कोई है नहीं कोई चक्कर। और ये पहले मैं आपको इसके अलावा जो जिसके अंदर चीज़ें मिलेंगी, ये सिम कार्ड जैसे कि हर हमारे डिवाइस के साथ मिलता है, ये इसके साथ आपको मिल जाएगी। ये इसकी चार्जिंग केबल है जिसकी लेंथ है अप्रोक्स 1 मीटर के लगभग है, थोड़ी सी छोटी हो सकती है। ये देखिए, ये आपका USB पोर्ट आ जाता है जैसे आपका एंड्रॉइड पोर्ट आ जाता है। इसको हम रखते हैं साइड में। अब आते हैं डिवाइस के ऊपर। ये रहा हमारा वायरलेस डिवाइस। ये फॉर सेफ्टी पर्पज़ के लिए इसके ऊपर बबल रैप लगा रखा है, ताकि अगर ये चीज़ दबे भी तो डिवाइस पे कोई स्क्रैच ना आए। इसको रखते हैं हम साइड में। बेसिकली ये हमारा डिवाइस है। ये आपको मिल जाता है इसके अंदर ऑन ऑफ पोर्ट, और ये आपका हमारा सीरियल नंबर होता है जो कि हर डिवाइस पे होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा IMEI नंबर का डिवाइस है। ये आपका वायरलेस है। ये इसका होता है मैग्नेटिक सिस्टम। बेसिकली इसी से जैसे कि आपको किसी गाड़ी पे स्टिक करना हो तो आप बड़े आराम से बहुत इजीली स्टिक कर सकते हैं। इसका जो मैग्नेट है वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत हार्ड होता है। एक बार स्टिक करने के बाद जल्दी ये छूटता नहीं है व्हीकल पे, मोटरसाइकिल पे। लेकिन एक चीज़ आपको इस बात का ध्यान ये भी रखना है कि आप जिस पे स्टिक करें उसका जो इंटरफेस होना चाहिए वो थोड़ा प्लेन टाइप होना चाहिए, जिस पे अच्छे से स्टिक हो पाए। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये हमने इसको हटा लिया। ये देखिए, ये आपका चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यहाँ आपका ऑन होने के बाद आपकी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है, नेटवर्क की, बैटरी की। अब मैं आपको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ। ये मैंने स्विच लिया, इसको मैंने करा, इधर से ऑन करा, इधर आप देखेंगे इधर लाइट्स ब्लिंक करना स्टार्ट हो गई हैं। ये नेटवर्क की होती है, GPS इनएक्टिव की होती है, और आपका चार्ज की लाइट होती है बगल वाली। अगर आपकी बैटरी लो होगी डिवाइस की तो ये आपकी लाइट्स ब्लिंक करने लगेगी। ये जो आप देख पा रहे होंगे छोटा सा जो बैटरी का आइकन बना हुआ है, ये वाली। और ये आपका सिम स्लॉट होता है। जैसे हम पहले अपने सेलफोन में सिम डालते थे, वैसे बेसिकली इसके अंदर भी सिम यहाँ रखे ऐसे प्रेस करना होता है तो सिम ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है, और निकालने के लिए भी अगर ऐसे प्रेस करेंगे तो सिम ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। ये हो गई डिवाइस की बात। अब मैं आपको डिवाइस की और खासियत बताता हूँ। इसमें जो आपको पहले मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको 25 to 30 days तक का मिल जाएगा, यानी 25 से 30 दिन तक आपकी इस डिवाइस की बैटरी बड़े ही इजी चलती है, आराम से। आप चाहे तो इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बाइक में यूज़ कर सकते हैं, कार में यूज़ कर सकते हैं, किसी बैग में डाल सकते हैं, कैरी बैग में, या अपने आप मतलब इसको समझ लो आप पॉकेट में लेके भी घूम सकते हैं, अगर आप लोकेशन ये आपके शो करेगा चाहे एक बार एक्टिवेट होने के बाद। इसको आप चाहे जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि आप इसको बाइक में यूज़ करो या फिर कार में यूज़ करो, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जो आपकी चीज़ है। इसको स्टिक करने के लिए मैग्नेट की ज़रूरत होगी। डायरेक्ट छुड़ाऊंगा तो ब्लेड हमारे टूटने के चांसेस हो जाएंगे। ये देखो, मैं इसका आपको ब्लेड दिखाता हूँ। देखो कितनी तेज़ स्टिक करा इसने। इसको ऐसे तो उठाना मुश्किल है, तो मैं इसको खींच के छुड़ा, इधर से खींच के ऐसे छुड़ा लेते हैं। और ये जो आपको छोटा सा ये स्टिकर लगा हुआ दिख रहा होगा, बेसिकली इसके अंदर एक सेंसर होता है इसके नीचे, ये देखिए। ये सेंसर आपका उस टाइम यूज़ कर इस टाइम काम आता है जब आपका डिवाइस एक्टिव हो जाता है।
मॉडल नंबर है S15,